ये कौन से बम है यार, ये कौन से बम है, ये क्या नाम है भैया? हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों पल्याल एंटरटेनमेंट में एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूं दोस्तों, स्वस्थ हूं। फिलहाल आज का दिन है दोस्तों दिवाली का दिन। दोस्तों मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली को और सभी जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। और दिवाली का दिन दोस्तों काफ़ी खास दिन होता है और परिवार में सारे लोग मिलते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इस बार काफ़ी अकेला महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई भी नहीं है घर में और मेरे पापा भी घर में नहीं है दोस्तों। तो अकेले अकेले ही हूँ, इसलिए बिजी काफ़ी चल रहा हूँ, जिस हिसाब से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ता है दोस्तों। फिर घर आके सफाई सुबह आपको बताया दिवाली में कितनी चीज़ें होती है, अकेला आदमी है और इतना बड़ा घर साफ करना है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल दिवाली की तो और तैयारी तो सब कर ली, अब थोड़ा सबसे जो ज़रूरी चीज़ भी होती है दिवाली में, शगुन भी माना जाता है दोस्तों, बम पटाखे। तो हल्द्वानी में आपको पटाखों की सबसे सस्ती दुकान मैं ले चलूँगा आज दोस्तों, सबसे सस्ती और सबसे धमाकेदार पटाखे जहाँ मिलते हैं हल्द्वानी में। पटाखों का बहुत ज़्यादा क्रेज है दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़े से बड़े लोग दोस्तों यहाँ काफ़ी आतिशबाजी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग आतिशबाजी करते हैं दोस्तों मेरे से, मैं उनसे एक ही उम्मीद करूँगा, सेफली बम पटाखे फोड़ें दोस्तों, जिससे आपको भी और आपके अड़ोस पड़ोस के किसी भी लोगों को कोई नुकसान और कोई भी मतलब हानि ना पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं भी तैयार हो चुका हूं और निकलता हूं हल्द्वानी की मार्केट में और सबसे सस्ती पटाखों की दुकान में दोस्तों, ठीक है। और मैं अब डायरेक्ट वहीं आपसे मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय। पटाखे का शौकीन आ चुका है हमारे यहाँ, देखिए साहिल हमारा पड़ोसी जिसने कल से पूरा यहाँ मोहल्ला में पटाखे बम पटाखे फोड़ के यहाँ पूरा हिलाया हुआ है मोहल्ला, ठीक है। और ये कैमरे मैन बहुत शर्माता है, देखो ये भाग रहा है कैमरे की डर से, पता नहीं किस बात का डर है इसे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमारे अंकल जी, पड़ोसी अंकल जी, आपको दिवाली की बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामना आपको पूरे परिवार सहित। ये हमारा बाबा है, बाबा है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अभी हल्द्वानी की सबसे सस्ती बम पटाखों की दुकान में दोस्तों। बहुत लोगों को याद भी होगा हल्द्वानी से जितने अगर है तो इस फील्ड को देख के, कहाँ का ये फील्ड है आप देखिए दोस्तों, गेस करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं अभी चलता हूँ देखिए अंदर की तरफ और देखता हूँ क्या बम पटाखों के रेट चल रहे हैं, लेकिन पूरे दुकानें जो है बम पटाखों की लगी हुई है दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों एक शुभांकर जो हमारे ऑफिस का लॉर्ड है उसके भी जान पहचान की दुकान है, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए हर जगह बम ही बम मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको देखिए सबसे सस्ता कहाँ है ढूंढना है और सबसे सही टाइम होता है इस टाइम पर, क्योंकि महालक्ष्मी का टाइम रहता है तो जब से फिनिशिंग का टाइम चल रहा है तो फिनिशिंग के टाइम पे क्या कहते हैं सस्ते भी मिलते हैं, जितना कम बार्गेनिंग करवा सकते हैं। तो अभी उसकी दुकान देख रहा हूँ, किसी चौथे नंबर की दुकान बता रहा है, ठीक है। तो मैं वहीं चलता हूँ सीधा, मेरी फैंसी इधर वाले में। अरे ये पाँच ये नोट हमारा ये वाली दुकान है, ठीक है। ये वाली है दुकान, ये दोनों या एक ही है? ये वाली सिर्फ हमारी। तो यहाँ रेट देखते हैं, खाली हो चुका है, आधा खाली हो गया है। आधा वाले इसमें हाँ हाँ 50 शॉट है दोस्तों। पाँच चार वाली भैया लास्ट 2200 की लगाते, 2200 वो देने वाले, इसलिए मैं बिल देख कर दे रहा हूँ ना, फिर ज्यादा ही बोल देता हूँ। दोस्तों इस दुकान में तो सारे रेट हमने पूछ लिए, ठीक है। लेकिन मैं अभी और दुकान में भी जाऊंगा एक बार पूछने के लिए, मुझे कुछ रेट यहाँ में तो सस्ते लग रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो लड़ी है वहाँ 700 रुपये बता रहे थे नीचे, और यहाँ क्या कहते हैं 400 बता रहे हैं और 5000 का 2200 बता रहे हैं, और कम मेरे को लग रहा है थोड़ा महंगे लग रहे हैं। तो और दुकानें भी देखता हूँ कि खाम के लास्ट में यहीं से ले। देखिए चारों तरफ दोस्तों पटाखे पटाखे, और किस प्रकार से हल्द्वानी वालों में जुनून दिख रहा है आपको, देखिए बम पटाखे का ये देखिए भीड़ देखिए। कल हमने कौन सा, ये मैं आ गया दोस्तों दूसरी तरफ अभी, ठीक है। ये दूसरी शॉप यहाँ लगी हुई है, एक वहाँ लगी हुई है और एक इधर लगी हुई है, तो अब यहाँ से भी पता करते हैं कोई दुकान में जाकर। कभी भी अगर आप पटाखे खरीदना है तो कोई भी एक दुकान से रेट पता करें, कम से कम 5-6 दुकान का रेट पता करें, उसके बाद पटाखे खरीदने के लिए जाए कभी भी। ये कौन से बम है यार, ये कौन से बम, ये क्या नाम है भैया?
कितने का है ये पैकेट? ये पड़ेगा आपको गाली नहीं करेंगे थोड़ा बहुत तो गाली करेंगे किसी आगे थोड़ी बोलेंगे बाहर बाहर से फोन करेंगे अरे वाले का समझे जैसे फुल जाता है कितने चलेगा भैया? पाँच मिनट तो चलेगा ही चलेगा ये पाँच मिनट तो चलेगा ही चलेगा 125 दो भाई भैया बस वाला बम लेगा यहाँ पे जला देते फैमिली में जलाओगे डेढ़ सौ रुपए तो दुकान में बिक रहा है 150 करके बता रहे हैं भैया 150 रुपए का तेल बुक के यहाँ है ना 150 रुपए लूटा था हमने लूटा था भाई लॉकडाउन का है दूसरे देंगे आप उसके बाद उसमें अंदर बत्ती में आ गई कितने रुपए का अनार 70 रुपए का बाद में कोल्ड ड्रिंक सकते हैं तो फाइनली दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं अभी थोड़ा लेट हो गया था दोस्तों और घर आते ही मैंने पहले सबसे पहले पूजा पाठ स्टार्ट करी और सबसे पहले यहां पूजा करी दोस्तों मंदिर में हमारे देखिए कितना ब्यूटीफुल पर मंदिर मैंने सजाया देखिए ये मैंने मंदिर में पूजा करी उसके बाद दोस्तों मैंने टीका विका लगाया और अपने जो हमारे मम्मी मेरी मम्मी जो मेरे साथ नहीं है हमारे जो पूर्वज जितने हैं उन सबको पहले और पूजा पाठ करी उनमें दिया लगाया और दिया बत्ती जलाई बाहर दिया बत्ती बाहर जलाई दोस्तों ठीक है आपको एक मैं एक टूर भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से हमारा घर सजा हुआ है लाइटिंग किस तरफ से कही हुई मैंने अपने घर की ठीक है दोस्तों दोस्तों दिवाली के सारे कार्यक्रम निपट चुके हैं और खाना पीना भी मैंने खा लिया है दोस्तों ठीक है और बाहर में डॉली भी खाना खा रहे हैं दोस्तों और इस ब्लॉग को फिलहाल मैं यहीं एंड करता हूं आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा दोस्तों पसंद आए तो लाइक करें चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें मैं पवन सिंह पल्याल आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड